Hey guys, it's Kathleen. Welcome back to Sidhu Vlogs. So guys, आज हम react करने वाले हैं astrology के एक vlog पे. मुझे इनके vlogs personally बहुत अच्छे लगते हैं because I think they're very lively and बहुत ही immersive होते हैं, बहुत मजा आता है देखने में. So guys, to check out the original link and the original channel and ये दो हमारे Instagram handles हैं. अगर आप हमें follow नहीं कर रहे तो जल्दी से follow कर लीजिए. Let's go. हम लोग जा रहे हैं. ये हमारा लग्जरी विला है जो हमने बुक किया है. ये देखें, मेरी सिस्टर है, इसको हो गया बहुत बुखार. ये गेम चल रही इन दोनों में. जो हारेगा वो बर्फ पे बैठेगा बाहर आग के सामने. आग हो सकता है, पागल है. हमारा जो है ना वो कैंपिंग कंप्लीट हो गई थी. अब ये लड़कियां यहाँ से जा रही हैं, गेस्ट हाउस जा रही हैं, क्योंकि कैंपिंग में कोई नहीं सोया जा रहा. बहुत 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 सर्दी है. ये हमारी नई लोकेशन है भाई, यहाँ पे हमें मिले हैं कमरे बड़ी अर्जेंट बेसिस पे. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू एस्ट्रोलॉजी, दिस इज मी क्राकोवा, वेलकम टू अनदर व्लॉग. मेरी सुबह हुई है जी कानपुर के एक होटल में और यहाँ की लोकेशन मुझे बड़ी अच्छी लग रही है. ये देखें, यहाँ पे ये हमारा सुबह का मंजर है. सब लोग अंदर तैयार हो रहे हैं और मैं भी अब तैयार होने जा रही हूँ. अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर दे, लाइक नहीं किया वो भी कर दे, शेयर नहीं किया वो भी कर दे और सब कमेंट भी जरूर करिएगा. अब बचा हुआ सामान आधा इधर पड़ा हुआ, आधा किधर पड़ा हुआ. अब हम लोग यहाँ से निकलने लगे और इन लोगों को यहाँ से भी निकालना बहुत मुश्किल है. हीरा तकिया पकड़ के बैठी हुई है वो. बाहर निकलते साथ अब ये देखें हमारी जो है ना वो बस. अब ये लोग सब बैठेंगे लेकिन यहाँ पे देखो व्यू कितना खूबसूरत है यार. बनाया खानपुर डैम पैराग्लाइडिंग लोग वहाँ यहाँ पे करें, मुझे ना किसी में नाम नहीं आते. तो अभी हम लोग यहाँ से तैयार होकर जाएंगे, इतनी प्यारी लग रही है ना. वाह, हम लोग जा रहे हैं जबरदस्ती एडवेंचर है यार. प्लीज मुझको किन्नू भी चाहिए, एक मुझको पानी चाहिए मुझको. चलें जी, अब हम लोग जो हैं वो खानपुर से निकलने लगे हैं. गाइस ये देखें, फ्रूट की रेडी आ गई है. गाइस जस्ट लुक एट माय मॉम, इधर आके भी किन्नू, इधर आके भी फ्रूट. अपनी बस के लिए ले रही हूँ, पहले मैं अपने लिए. अच्छा मैं यहाँ पे ना गंडेरिया भी देखने के लिए आई हूँ. एक ट्राई कराएंगे मुझे. मम्मा गंडेरी लेनी है, मजे की है, बहुत अच्छी है भाई. ये देखो फ्रूट मेरे पास नहीं अभी तक आया. आ जाएगा आ जाएगा, टेंशन ना लो. चले जी, अब हम लोग जो है ना वो यहाँ पहुँच चुके हैं. देखें इधर आस पास हर जगह पड़ी हुई है और कितना खूबसूरत व्यू है यहाँ से. यार उतरे हैं बस से, थोड़ी बस हल्की हो जाएगी. देखें हम इधर हाइट पे हैं. अंकल बस से उतर जाएं ताकि बस हल्की हो जाए. यहाँ होने लगा है स्वैग से सबका स्वागत, क्योंकि हमारी गाड़ी जो है ना वो यहाँ से ऊपर. हाँ यहाँ ये देखना, आत्मा का मरने का परमानेंट इरादा. सॉक्स नहीं थे, मम्मी ने सॉक्स निकालनी है. फातिमा पकड़ो, अम्मियाँ ही होती है जो केयर करती हैं. अब हम लोग जो है ना चढ़ाई चढ़ने लगे हैं. मुझे अभी से ये देखो ये देखो ये देखो, इंसान इसने बनना नहीं है. ताजे ताजे लाहौरी जब आते हैं ना बर्फ वाले, हाथ में बर्फ पकड़ते हैं फौरन, हाथ नीला हो जाए हाथ से चल लो. और वो देखें जरा सारे एकदम सुड़ रहे हैं. तो हम लोग अब जा रहे हैं जी, ये अल्पाइन होटल की एंट्री है और लोकेशन बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है. किसने डाला है न? चलो अब यहीं पे डांट पड़ रही है ज़ैनब को. ये हमारा लग्जरी विला है जो हमने बुक किया है. वेरी नाइस, अंदर से आपको दिखाती हूँ, पहले खुद पहुँचो. यार अंदर एंटर होते साथ पता ही नहीं लग रहा कि यहाँ पे बाहर कोई बर्फबारी हो रही है. मतलब इतना कूजी, इतना वार्म है. अच्छा ये कितना खूबसूरत है, यहाँ पे दो लिविंग एरियाज है. ओ माई गॉड, आते साथ अफरा तफरी मच गई कि कौन सा रूम किसका. मतलब खैरियत है, पता ये रूम मेरा, पता ये रूम मेरा.
ये रूम मेरा। इस होटल की सबसे अच्छी बात यह है, हमें कोई भी सर्विस चाहिए होगी आप हमारी सर्विस के लिए होंगे। जवाहर भाई अब हमें प्रॉपर गाइड करेंगे। हाँ जी, कोशिश करेंगे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। हमारी कोशिश है हम आपको तंग ना करें। अभी आपको पता नहीं है जो लोग आए ना ये आपको कितना तंग करने वाले हैं। बहुत तंग नहीं करना। ये देखें यहाँ पे ये, ओ माय गॉड, इट्स सो नाइस। सबसे खास बात है कि आप प्राइम लोकेशन है और यहाँ से बिल्कुल बाहर आपको बहुत प्यारा व्यू दिखता है। यू कैन एंजॉय हियर। यहाँ आप अपना बॉनफायर भी कर सकते हो। ये एक कमरा ये वाला है, ये भी बहुत खूबसूरत है। इनका वॉशरूम है, ये Nice and beautiful. और एक कमरा था ये वाला, ये भी बड़ा प्यारा कमरा है। अच्छा, इस पे इतना बड़ा मिरर भी है, ये कमरा भी। और इससे यहाँ से लोकेशन ये है आपके विला के बाहर की। Nice. कितना मजे का लग रहा है। ओह फल्ला, यहाँ पे तो खिड़की खुली हुई है। ओह मुझे लगा शीशा है। वी आर रियली एंजॉइंग दिस प्लेस। हम इनका वॉशरूम दिखा रही थी आपको। ये जी वॉशरूम है, वॉशरूम नंबर 2। और ये देखिए जी, नाइस माहौल। ये रूम है जिसपे फातिमा ने कब्जा किया है। ये भी बहुत प्यारा कमरा है। आउटडोर लोकेशन है, इतना प्यारा है। wow. और यहाँ से ये डबल है, बहुत अच्छा। खाना आ चुका है। ये देखो जरा, ये भूखी, इसको इतनी भूख लगी हुई थी और अभी भी तो मैं स्नैप की पड़ी है। फातिमा बहुत भूख लगी। तो ये कोई फातिमा की फरमाइश का मेन्यू हम लोगों ने ऑर्डर किया था। इनकी प्रेजेंटेशन जस्ट चेक करें। यहाँ पे एक कदत किचन भी है, ठीक है। अल्पाइन वाले हो तुसी ते ग्रेट हो यार। तो यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ मुँह चलने की आवाज आ रही होगी। देयर फूड इज सो यम, इतना टेस्टी है। मैं मतलब जल्दी किसी खाने की बाकी जेन्युइनली तारीफ नहीं करती, इनका खाना बहुत मजे। सो गाइस, यहाँ पे खाना शाना जो है वो क्लियर हो चुका है। फातिमा को बुखार चढ़ गया, मैं जरा उसका हाल पूछ के आती हूँ। ये देखें, मेरी सिस्टर है, इसको हो गया बहुत बुखार और मुझे कह रही है नाना व्लॉग ना बनाओ। ठीक है गाइस, मैं इसका ना व्लॉग नहीं बना रही हूँ, इसको रेस्ट करने देते हैं। फातिमा तुम अपना ख्याल रखो, रेस्ट करो, सो जाओ, ठीक है। ओके, एक मिनट रुको। यार उसकी बॉडी कांप रही है, उसको दवाई चाहिए। हाँ अभी मैं देख के आई हूँ। चॉकलेट गर्म कर रही थी तो वह कुछ इसके अंदर मैं गर्म कर रही थी, क्योंकि प्लेट बहुत ज्यादा गर्म हुई, उसकी वजह से वहाँ कुछ है कि प्लेट के अंदर से पटाखे निकले, मैं बहुत डर गई हूँ। तो इसलिए आपको बता दूंगी, कभी भी इस तरह प्लेट के अंदर गर्म नहीं करना। ये देखें जी, गेम चल रही है, इन दोनों में कंपटीशन फंस चुका है, राबिया और मिनाहिल में। देखते हैं इन दोनों में से जीतता कौन है। और आपको पता है जो हारेगा वो बर्फ पे बैठेगा बाहर, और इस वक्त फुल सर्दी में। ओह माय गॉड, राबिया हार चुकी है, राबिया बर्फ में बैठे। इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, चुड़ैल जीतते जीते। देख ले तेरी छोटी बहन हूँ, साज रख ले। नन्नी जान पे इतना, नन्नी जान पहले मुझे चाउमीन खिलाएगी फिर, और ये फोन उठाएगी। नन्नी जान पे रहम किया जाए या नहीं किया जाए, बहुत तुम सगी बहन हो ना इसलिए लगी हुई हो। कसम से मेरा भी दिल कह रहा है। हाँ मिनाहिल, मिनाहिल तो कहेगी ना, माफ किया जी। अब हो गई है खाने की नाइट शिफ्ट शुरू, एक सामी दो सामी, ये सारी खा खा के ना मोटियां हुई ना मेरा नाम बदलना। तो जरा चेक करें, बाहर बॉनफायर हो रही है, मैं जरा बाहर जाने लगी हूँ। मैं ऐसे ही कैब के बगैर अपने इस स्लीपिंग बूट्स के साथ ना निकली हूँ। अब यहाँ मैं स्लिपी ना हो जाऊँ क्योंकि बारिश हुई है, और बर्फ के ऊपर जो है ना इतना ये प्यारा है। यहाँ पे देखे बर्फ के ऊपर फायर। अंदर वालों बाहर आ जाओ, बाहर आग आप लोगों का इंतजार करी है, जल्दी आ जाओ भाई। ध्यान से स्लिप ना हो जाना, मुझे नहीं पता है, मुझसे मत पूछना। अपने ख्वाब पूरे करने के व्हाट हैपेंड, हाँ ये बड़ा मजा आ रहा है, इसको ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे। आधी रात को यहाँ पे हो रहा है जी बॉनफायर, आग के सामने रहा ब्याह करना, आग के सामने आग। ओए होए दिया चले, चन चले, जल्दी करो ऐसे। पता है इसको ये करने का कितना मजा आता है इसको। Yeah. मेरे जूते लॉन्ग है, मुझे बड़ा मजा आ रहा है ये फोड़ने का, प्रॉपर इट्स वेरी सेटिस्फाइंग। क्या मेरा नए साल का मकसद ये है कि मैंने दी बेस्ट व्लॉगर ऑफ पाकिस्तान अपने सॉन्ग्स रिलीज करने और एज अ सिंगर अपनी पहचान बनानी है।
चलें जी, फातिमा की बारी है। हाँ जी, व्हाट्स योर न्यू ईयर रेजोल्यूशन? मैंने ये करना है कि मैंने अपने काम पे फोकस करना है, कहीं नहीं जाना, घर पे रहकर जस्ट एक काम 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 और काम। कायदे आजम ने जो समझाया था वो काम। अच्छी बात होती है कि सबसे ज्यादा टाइम अपने आप को दो। एग्जैक्टली। ओह माय गॉड, दोनों बहनों की लड़ाई होगी। वो कॉफी लेकर आ रही है और वो कह रही है कि घर पे तुम करती हो अंजुली का, मंजुली का। हाँ ये देखो जरा, यहाँ पे ना पंगे ले रही है, इसका हाथ देखे यहाँ छपा हुआ। कैसे कहते हम बर्फ में पंगे लो। दोबारा बना, शुक्र है मैं इतनी बेवकूफ पड़ती पागल नहीं हूँ। मुझे अपनी जान बहुत प्यारी अपनी सेहत में। अब इसको जाके आग के ऊपर रखो। चलो इना साथ तुम भी आओ इसके जैसा। ई को ये देखो, लोग दुनिया के किसी कोने में जाकर रिलैक्स करते हैं। सॉरी मैं मंकी इसकी एक्टिंग नहीं करती। बड़ा बेचारा कसरत कर रहा था, मैंने सोचा धक्का दे दूं। सारा कसरत कर रहा था, मैंने सोचा उठाओ ही ना। उठा लो। हीरा ने उठा। पागलपंतियां जो है ना ये बंद नहीं होने वाली। और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ब्लॉग बड़ा ही पसंद आया होगा। अगले ब्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। मेरी ना दीजिए इजाजत, मुझे बिल्कुल इजाजत नहीं चाहिए। मुझे हमेशा तुम जाओ जहाँ जा रही हो। इसके अंदर हूँ, होम टूर लगाया ना, वीडियो क्रेडिट मेरा दे देना। वीडियो क्रेडिट पर राजा फैसल जो मैं पढ़ रही हूँ। oh my god, वो बिना टूर है। वो वीडियो मैंने बनाई है मैंने। ओके ओके बस हो गया, क्रेडिट पता लग गया आपको। ओके गुड बाय बाय बाय। तीने पागलों का टोला देखा, मतलब छुट्टियों पे बर्फ में बैठ के इधर मूवी अक्षय कुमार देखा जा रहा है। अक्षय कुमार देखे मुझे फातिमा याद आ जाती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग होता है। कैसे लग रहा था कि भाई वाह, इतनी ठंड में भी ठंडी जगह पे जाकर बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स हैं, इनके ब्लॉग्स हमेशा बहुत एंटरटेनिंग होते हैं। इन सब सिस्टर्स की बहुत बॉन्डिंग मुझे अच्छी लगती है। आई थिंक देयर वेरी स्वीट एंड बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग था, बहुत मज़ा आया देखने में। सो गाइस, दिस इज माय रिएक्शन। आई रियली होप दैट यू लाइक इट, एंड इफ यू डिड दिस वीडियो को लाइक कर दो, लीव डाउन लवली कमेंट्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब गाइस। सो गाइस, दिस इज सिद्धू ब्लॉग साइनिंग ऑफ। लव गाइस।